हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही होगी और मैं आप सबके बीच लाइव हूँ। अगर ऐसा सब कुछ प्रॉपर ठीक ठाक है तो एक बार आप सारे लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, सब कुछ ठीक है। अगर आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि सब कुछ ठीक है तो फिर मैं आज की क्लास को करता हूँ शुरू। और आज आपका बोट एंड स्ट्रीम का फाइनल पंच, बोट एंड स्ट्रीम की क्लास आज लास्ट क्लास है जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से एक बार सारे लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, सब कुछ ठीक है, तो क्या मैं क्लास की शुरुआत करूँ, क्या मैं शुरू करूँ क्लास को? सारे लोग एक बार मिलजुल कर मुझे बता दीजिए। तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, मुझे भी आ रही है, फिर मैं शुरू करूंगा आज की क्लास को। ठीक है, सारे लोग एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से। जितने भी ग्रुप में आप लोग अभी ऐड हैं, सारे के सारे ग्रुप में सेशन को कर दीजिए शेयर, जिससे कि फिर मैं शुरू कर पाऊँ आज की क्लास को। आज की क्लास एक बेहतरीन क्लास होने जा रही है आप लोगों के लिए। बोट एंड स्ट्रीम का फाइनल पंच है। फाइनल पंच का मतलब समझते होगे, आज हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने लग रहा हूं। तो मैंने तो शेयर कर दिया, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया, आप सारे लोग भी आपका काम पूरा करिए और फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी बच्चे बहुत कम लाइव देख रहे हैं। ये डिसलाइक करके कौन चला जाता, पता नहीं कौन करके चला जाता है, बिना लाइव शुरू हुए डिसलाइक भी कर देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं मेरे बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूं मैथ्स एडुकेटर, कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक कर चुका हूं मेंटर। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CDS, FCAT और CAPF एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो अनअकैडमी का आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, जहां पर आप लोगों को मिलती है सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका, सारे के सारे कोर्सेज करने की तैयारी। 3042 से ज्यादा कोर्सेज है CDS, FCAT और CAPF की कैटेगरी में। इन सारे 3042 से ज्यादा कोर्सेज आपके CDS, FCAT, CAPF की कैटेगरी में, सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए मिल जाएंगे अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में और आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेज, आपको मिलता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आपको अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको मिलने लग रही होती है। अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को, तो आप मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव यूज कर सकते हैं। इनविटेशन कोड है जिसके थ्रू आपको स्पेशल क्लासेस पढ़ने का मिलता है मौका। स्पेशल क्लासेस जो होती है एकदम से फ्री अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, एकदम से फ्री क्लासेस है ये, तो ये आपकी होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, आप कर सकते हो। अगर आप अनअकैडमी क्विज ज्वाइन करना चाहते हो तो कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, इन स्टेप से होकर गुजरिए, अनअकैडमी क्विज को आप ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये लिंक दे रखा है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे ग्रुप पर पहुंचेंगे, वहां पर आपको सारे क्लासेस की PDF, सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और टीचर से, हर एक टीचर से इंटरेक्ट होने का मौका भी आपको टेलीग्राम पर मिलता है। इस ग्रुप के अंदर सारे के सारे आपके फेवरेट एडुकेटर हैं। इसके अलावा अगर आप CDS, FCAT, CAPF का लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस 14,080 रुपए है, रेफरल कोड MPSIRLIFE, रेफरल कोड क्या है MPSIRLIFE, वहां पर आपसे एक रेफरल कोड की डिमांड करेगा। अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं डिफेंस की एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कोई भी पेड चीज, पेड कुछ भी कोर्स या कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आप सीधे सीधे एक रेफरल कोड MPSIRLIFE लगाइए। यहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का हर एक कोर्स के ऊपर। तो रेफरल कोड याद रखिए MPSIRLIFE। जैसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपए का है, लेकिन रेफरल कोड MPSIRLIFE यूज करने पर ये सिर्फ और सिर्फ आपका 12,672 का रह जाएगा। ऐसे ही 1 साल का सब्सक्रिप्शन 9,680 रुपए का है, रेफरल कोड MPSIRLIFE यूज करने पर 8,712 रुपए का रह जाएगा, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा एक बैच चल रहा है, नया बैच भी आने वाला है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, करिए सॉल्व फटाफट से। करिए
करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो बोला 1 person कैन स्विम इन स्टिल वाटर, एक आदमी है जो शांत जल में चलता है, स्टिल वाटर में चलता है, एट द रेट ऑफ 9 km/h, उसकी स्पीड है 9 km/h की, इन द रिवर फ्रॉम 1 fixed point टू अदर fixed point। मतलब यहां पर आपकी 1 fixed point, इसका मतलब समझ लो आपकी जो डिस्टेंस है ये कॉन्स्टेंट है। अगर आपकी डिस्टेंस बेटा कॉन्स्टेंट है, अगर आपकी दूरी फिक्स है, अगर आपकी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो आप सारे लोग मुझे बताइए एक बार कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एक आदमी जो जाता है 9 km/h की स्पीड से, किसमें, शांत जल में, तो क्या एक्स की स्पीड आपको 9 km/h दे रखी है। ये चीज मैंने पहली क्लास में समझाई थी और फिर से सुन लो जो भी बच्चे नए हैं आज, गुड इवनिंग भाई, कि मैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट को जो मैं मानता हूँ वो हमेशा हमेशा एक्स मानता हूँ, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को सर आप फिर क्या मानते हो आप, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं हमेशा हमेशा वाई मानता हूं, तो सर फिर आप डाउन स्ट्रीम को क्या मानते हो, तो डाउन स्ट्रीम को मैं हमेशा एक्स प्लस वाई मानता हूं, और सर आप स्ट्रीम को आप क्या मानते हो, तो उसे हमेशा मैं एक्स माइनस वाई मानता हूं। अगर आपको एक्स प्लस वाई भी दे रखा है और अगर आपको एक्स माइनस वाई भी दे रखा है, तो एक्स निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक्स प्लस वाई बराबर अगर आपको के दे रखा है और एक्स माइनस वाई बराबर अगर आपको एम दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू होती है के प्लस एम डिवाइडेड बाई टू, और वाई की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो के माइनस एम डिवाइडेड बाई टू। इतनी चीजें क्या मैं आप लोगों को डेली पढ़ा चुका हूं, तरुण कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से आज कर लेते हैं यहीं से शुरू। कल थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इस चक्कर में मैंने ठीक से आपको बता नहीं पाई थी चीज़ें, ठीक है भाई। क्या ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या, और नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और फिर नोट कर लो। आज तो बहुत कम बच्चे लाए ना, आजकल क्या कुछ चल रहा है क्या, कोई और काम बच्चों का, आप मुझे बताओ। यहाँ पर आपको ये बोला है कि फ्रॉम 1 fixed, ठीक है, इट टेक्स ट्वाइस द टाइम कंपेयर टू द टाइम स्पेंड इन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने में डबल टाइम लेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या स्पीड एक्स प्लस वाई होती है, सेम डायरेक्शन मतलब डाउन स्ट्रीम, और अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब अप स्ट्रीम में अगर जाता है तो स्पीड क्या एक्स माइनस वाई होगी, बताइए हाँ या ना। तो यहां जो टाइम लगता है सेम डायरेक्शन में, उससे डबल टाइम लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में अगर एक टाइम लगता है तो अपोजिट डायरेक्शन में दो टाइम लगता है, क्या ये बात समझ आ रही है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो सारे बच्चे मुझे मिलके बताओ कि डिस्टेंस का रेशियो क्या उल्टा हो जाएगा 2:1, सॉरी स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस नहीं स्पीड का, आप सारे लोग मुझे मिलजुल कर ये बता दो आप कि अगर स्पीड का रेशियो 2:1 है तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 2+1 3 और y की वैल्यू आएगी 2-1 1। आपको y की x की वैल्यू तो दे रखी है, x की एक की वैल्यू आपको 9 km/h दे रखी है, तो 1 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 km/h एक की वैल्यू, तो आप मुझे 3 की वैल्यू बता सकते हो क्या, तो 3 को भी सर 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 27 km/h आंसर आएगा, क्या बताओ। अच्छा x इसकी है, ओ सॉरी x की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी फिर से मैं आज गलत कर गया इस चीज़ को, x की वैल्यू तो 3 की वैल्यू अगर आपको 9 km/h दे रखी है, 3 की वैल्यू आपको 9 km/h दे रखी है, तो 3 का कितना गुना होगा, 3 गुना हो जाएगा 9 km/h, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का भी 3 गुना कर दो 3 km/h, जो कि ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। क्या बात समझ आती है, बिल्कुल समझ आती है। क्वेश्चन नंबर 2 को करो एक बार सॉल्व, मुझे बताओ आंसर फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 2 को करिए सॉल्व, बताइए आंसर। शेयर वेयर करो सेशन को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए लाइव। बताइए
वेरी गुड तरुण, फाइव तरुण का आ रहा है फाइव। मैं आप सारे लोगों को बताने की करता हूँ कोशिश। इधर आप लोग देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, रिवर मतलब वाई, वाई की वैल्यू आपको 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। देन द टाइम टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट टू अदर फिक्स पॉइंट इन द रिवर इज ट्रिपल फ्रॉम द टाइम टेकन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। मतलब आपको एक्स प्लस वाई रेशियो एक्स माइनस वाई आपको बता रखा है। x प्लस वाई आपको कितना बता रहा है, ट्रिपल टाइम लेता है अपोजिट डायरेक्शन जाने में, तो सेम डायरेक्शन जाने में एक, तो अपोजिट डायरेक्शन जाने में तीन। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई चाहे तो टाइम दे रखा हो, चाहे स्पीड दे रखी हो, चेंज करने की जरूरत है नहीं। आपको करना क्या है, आपको तीन और एक चार जोड़ोगे तो x की वैल्यू और घटाओगे तो y की वैल्यू, ये आपको मिलेगा। बताइए हाँ या ना। तो इससे इसे आप काटोगे तो क्या 2:1 जाएगा। अब y की वैल्यू आपको, एक की वैल्यू आपको चार दे रखी है, तो एक का गुणा आप चार से करोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर तभी आएगा क्या। तो दो की वैल्यू भी क्या, इसका 4 गुना 8 किलोमीटर पर आवर आएगा आंसर। इसका मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए। If the velocity of the river is 6 km per hour, जो river है जिसकी velocity 6 km per hour है, then the time taken in opposite direction of the river from one fixed point to other fixed point in the river is 2.5 times। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि आपको velocity of river मतलब y की value दे रखी है 6 km per hour, y की value आपको 6 km per hour दे रखी है। अब आप सारे बच्चे एक चीज यहां पर ये समझो, अपोजिट डायरेक्शन में रिवर, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि x प्लस वाई जाओ आप और रेशियो x माइनस वाई आप जाओ, तो x प्लस वाई में जाने में आपको x प्लस x माइनस वाई मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने में अप स्ट्रीम से आपको 2.5 गुना ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब यहां पर अगर आपको एक लगता है तो यहां पर 2.5 गुना समय लगता है, 2.5 समय। तो इसे क्या 2.5 का 5/2 लिख सकते हो क्या, 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। लेकिन रेशियो ये बोलता है कि कभी भी रेशियो को हम डिवाइड में पसंद नहीं करते, फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो 2 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2:5 हो जाएगा। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2+5 7 और y की वैल्यू 5-2 3 हो जाएगा। अब आपको तो 6 दे रखी है 3 की वैल्यू, तो 3 का 2 गुना 6 होता है। 3 का 2 गुना अगर 6 किलोमीटर पर आवर है तो 7 का भी क्या 2 गुना 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आंसर क्या आपका सेकंड ऑप्शन सही है, बताइए हाँ या ना। हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी खिदमत में है, पेश करिए फटाफट से। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करिए।
वीरेंद्र यादव का फोर आंसर आ रहा है, फोर ऑप्शन वीरेंद्र, देखो फोर्थ ऑप्शन। अ पर्सन कैन रो 7.5 किलोमीटर एंड 7.5 किलोमीटर एन आवर, इसका मतलब जो उसकी स्पीड हो गई वो 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गई, बोलो हाँ या ना। तो पर्सन की इसका मतलब एक्स बराबर है 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 को आप लिखोगे 15/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन स्टिल वाटर एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रोज अप एज रोड डाउन द, तो आप मुझे एक चीज बताओ, रोज अप मतलब अप स्ट्रीम और रोज डाउन मतलब डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में जाने में डाउन स्ट्रीम में जाने में अप स्ट्रीम से दोगुना समय लेता है, यहां पर एक समय लेता है तो यहां पर दो समय लेता है। आप यहां से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 3 और y की वैल्यू 2 - 1 1, आपको x की वैल्यू पता है 15/2 है, तो आप मुझे बताओ इसका क्या 5/2 टाइम्स है, हाँ सर इसका 5/2 टाइम्स, तो 1 का भी 5/2 टाइम्स निकाल दीजिए तो क्या 5/2 आएगा, और 5/2 को आप 2.5 बोलते हो तो क्या ऑप्शन थर्ड आंसर ठीक है एकदम, 2.5 किलोमीटर बराबर, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 किलोमीटर बराबर, बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5th करिए सॉल्व। फटाफट से सेशन को लाइक कर दो जिसने ना किया हो, और समझ गए वीरेंद्र भाई, वेरी गुड। और भाई शेयर ना किया हो तो शेयर कर दो, आइए समझते हैं। वन पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, एक आदमी शांत जल में तैरता है एट द रेट ऑफ 27/5 किलोमीटर पर आवर, किस रफ्तार से, 27/5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, इन द रिवर फ्रॉम वन फिक्स टू अनदर फिक्स पॉइंट, इट टेक्स ट्वाइस द टाइम कंपेयर टू द टाइम स्पेंड इन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए समझिए, आपको बोला है एक आदमी तैरता है, इसका मतलब x की स्पीड आपकी 27/5 किलोमीटर बराबर, बताइए हाँ या ना। हाँ सर, जय हिंद भाई सुमन। आप मुझे एक चीज ये बताओ, इन द रिवर फ्रॉम वन फिक्स टू अनदर पॉइंट इट टेक्स ट्वाइस द टाइम कंपेयर टू द टाइम स्पेंड इन गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब x प्लस y और x माइनस y अपोजिट डायरेक्शन में जाने में 2 गुना समय लेता है। यहां से आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल पा रहे होंगे, x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 2 में 1 जोड़ा 3 और y की वैल्यू 2 में से 1 घटाया 1, आपको x की वैल्यू 27/5 गुना दे रखी है, तो मुझे बताओ 3 का कितने गुना है 27/5, तो आप बोलोगे 9/5 गुना, बताइए हाँ या ना। तो मुझे बताओ 1 का 9/5 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9/5 किलोमीटर बराबर ही हो जाएगा सर, इसका मतलब क्या ऑप्शन सेकंड एकदम सही है, 9/5 किलोमीटर बराबर, तरुण भाई 9/5 किलोमीटर बराबर होगा, 9.5 नहीं, बताइए क्या समझ आई है बातें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को जो भी भाई करके दिखा देगा मैं समझ जाऊंगा कि आपने बेस्ट कर रखा है, इस क्वेश्चन को करके बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक सा है, कोई बहुत ज्यादा ठीक ठाक भी नहीं है, जो अभी आप पढ़ रहे थे उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, बताइए फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आवाज वगैरह सब आ रही है, आवाज वगैरह सब आ रही है नहीं आ रही है बताओ, आवाज तो आ रही है ना, आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताओ। चलो
ठीक है चलिए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, देखिए क्वेश्चन समझिए, मैं भाई चेक कर रहा था आवाज आ रही नहीं आ रही, ठीक है भाई या तो मुझे लग रहा है आवाज आ रही। इफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 35/3 किलोमीटर पर आवर, जो रिवर है एक रिवर की वेलोसिटी, इसका मतलब वाई की वैल्यू आपको दे रखी 35/3 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम वन फिक्स टू अदर फिक्स पॉइंट इन द रिवर इज 3/1/2 टाइम्स। इसका मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई में जो डिफरेंस है, रेशियो है जो, देखो यहां पर अगर एक टाइम लगता है तो यहां पर 3/1/2 टाइम लगता है, तो 3/1/2 का मतलब है 7/2 टाइम्स लगता है, बता दीजिए हाँ या ना। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 2:7 टाइम लगता है। तो यहां से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 5, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ है सर, इसमें ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप मुझे ये बता दो कि आपको तो y की वैल्यू पता है, आपको तो 5 की वैल्यू पता है, कितना है 5 की वैल्यू, तो ये है 35/3, तो इसका मतलब क्या 7/3 गुना है, तो आप तो फिर 9 की वैल्यू, 9 का 7/3 गुना निकालोगे तो क्या 21 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी, इसका तो ऑप्शन थर्ड सही है एकदम। क्या ऑप्शन थर्ड एकदम ठीक है क्या? फटाफट से देख के और समझ के मुझे आप लोग बता दो, आप तो जवाब मुझे दे दो देख के और समझ के। बोलिए बोले, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व फटाफट से, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। साउंड आ रहा होगा भाई सुमन कुमार, साउंड आ रहा होगा, मैं थोड़ा ऑफ करके मैं कुछ चेक कर रहा था कि जो बैकग्राउंड साउंड है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, मतलब थोड़ा टेक्निकली खुद ही एक बार टेक्निकली, मतलब टेक्निकल काम नहीं कर पाता, खुद ही करने की कोशिश कर ली एक बार, हो नहीं पाया, जाने दो, कल टीम से सही करवा के आएंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5। मोटर बोट की स्पीड और करंट की स्पीड, x की स्पीड और y की स्पीड, जिसका रेशियो है 36:5, स्पीड का रेशियो है ये, स्पीड। आपको आगे ये बोला गया है मेरे भाई कि द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। आप मुझे बताओ अलोंग विद द करंट अगर बोट जाएगी और एक बार कम्स बैक, मतलब कम्स बैक का मतलब है जाएगी तो डाउन स्ट्रीम, आएगी तो अप स्ट्रीम, तो मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम अगर जाएगी तो x प्लस वाई स्पीड से जाएगी तो 36.5 41 की स्पीड से जाएगी, ये स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, और अगर वापस आएगी तो 36-5 31 की स्पीड से जाएगी,
तो आप मुझे बताओ, ये तो स्पीड का रेशियो, लेकिन यहाँ तो टाइम बता रखा है 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, तो क्या टाइम का रेशियो उल्टा आ जाएगा? क्या टाइम का रेशियो 31:41 आ जाएगा? सारे बच्चे मिलजुल कर ये बताओ, अगर ये बात ठीक है तो सारे बच्चे मुझे एक बार बताओ कि आपको तो 5 घंटे 10 मिनट दे रखा है, जबकि हमारे हिसाब से डाउन स्ट्रीम में जाने में उसे 31 का टाइम लगता है। तो 5 घंटे, और अगर 10 मिनट को कन्वर्ट करूंगा तो 5 घंटे का मतलब मिनट में 300, और 10 मिनट ये हो गई, तो क्या पूरी 310 मिनट हो गई? तो 31 की वैल्यू 310 मिनट है, इसका मतलब इसके 10 गुना है, तो 41 की वैल्यू इसका भी 10 गुना करोगे तो क्या 410 मिनट हो जाएगा? लेकिन सर ऑप्शन में 410 मिनट है ही नहीं, ऑप्शन में तो 410 मिनट है ही नहीं, तो 410 को क्या 60 से डिवाइड करके 0 से 0 काटूंगा, और 6 6 6 36, बोलो हाँ या ना? तो बचेगा 5, तो 6 घंटे और 50 मिनट लिख देंगे मुझे क्या? तो 6 घंटे 50 मिनट, इसका तो ऑप्शन थर्ड एकदम सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल तरुण भाई, क्या बात समझ आती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने, करिए क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आसान बना देंगे आपके लिए बोट एंड स्ट्रीम, ये तो हम चाहते हैं कि आपके लिए बहुत आसान बने बोट एंड स्ट्रीम, लेकिन लाइक बाई कॉल करते रहो, फिर आप और आपके मित्र लाइक बाई कॉल करते रहिए। कल अगर आपको पढ़ना है मुझसे नंबर सिस्टम, अगर आप पढ़ना चाहते हैं नंबर सिस्टम, तो आप लोगों का सिस्टम कल सुबह 10 बजे चालू हो जाना चाहिए। सिस्टम मतलब आप लोग अगर लैपटॉप से क्लास देखते हैं तो लैपटॉप सुबह 10 बजे, और अगर आप लोग अपने फ़ोन से क्लास देखते हैं तो आपका फ़ोन सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे मतलब यूट्यूब पर, इसी चैनल पर नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से पढ़ाने लग रहा हूँ, ठीक है भाई? तो सिस्टम सुबह 10 बजे चालू हो जाना चाहिए। अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर इन 3 आवर्स। बोला है एक मोटर बोट है जो कवर करती है किसी सर्टेन डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में कवर करती है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई, ठीक है? आगे बात पहले देखते हैं क्या है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड 3.5 आवर्स। थोड़ा सा उल्टा लिख गया, इसे मैं सही कर देता हूँ क्योंकि मेरी आदत में यही कहीं क्वेश्चन को सही करना। 3.5 आवर्स, ठीक है भाई? 3.5 आवर्स, अब सही है, 3.5 आवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में जाती है तो उसे जो टाइम लगता है वो लगता है 3 घंटे का, लेकिन अगर वो अप स्ट्रीम में जाती है तो उसे जो टाइम लगता है वो लगता है 3 सही 1/2 घंटे का। तो मुझे बताओ आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 3:3 = 7/2 आ जाएगा, तो क्या ये 6:7 हो जाएगा? जल्दी बताइए हाँ या ना, तो मैं इसे यहीं पे लिख देता हूँ 6:7। सारे बच्चों के लिए टाइम का रेशियो सीधे सीधे 6:7 आएगा। तो आप लोग सारे बच्चे मुझे मिलके बताओ कि स्पीड का रेशियो 7:6 होगा क्या फिर? हाँ सर, स्पीड का रेशियो तो फिर 6:7:6 होना चाहिए। स्पीड का रेशियो क्या 7:6 होगा? हाँ सर होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 7:6 होगा। अब आपको बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ अ वाटर इज 1 पॉइंट, अच्छा मुझे बताओ यहाँ तो एक्स और वाई की बात करने लगा, तो एक्स की स्पीड आप क्या लिखोगे? तो सर एक्स की स्पीड तो हो जाएगी क्या कि 7 + 6 = 13, और वाई की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 7 - 6 = 1। तो 1 की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर कितनी? 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 की वैल्यू 1.5 किलोमीटर पर आवर है तो 13 की वैल्यू क्या, इसका भी 1.5 करोगे तो क्या 19.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। हाँ रेशियो वाला, बिल्कुल सुमन भाई, बताइए क्या बात समझ आई है या नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? रिपीट तरुण, मैं रिपीट करता हूं बिल्कुल, चलिए आप देखिए इधर देखो, फिर से रिपीट करता हूं तरुण, इधर समझो,
तरुण आप तो ये देखो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की स्पीड का रेशियो क्या 6:7 दे रखा है क्या एग्जामिनर ने? हाँ दे रखा है। कैसे आप मुझे बताओ, ये 3 घंटे में जाती है डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में कितने घंटे में जाती है? 3.5 घंटे में। बोलो क्या बात समझ आ रही है? तो 3 और 3.5 का रेशियो निकालोगे तो इधर तो आप लिखोगे 3 और इधर लिखोगे 3.5 को कितना लिखोगे? 7/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6 = 7। कैसे आया क्या ये बात आप समझ पाए हो? 6:7 तो मैं कैसे लेके आया क्या वो आप समझ गए हो सारे बच्चे? ये बताओ पहले तो 6:7 कैसे लाया क्या ये तो बात आप समझ गए हो सारे बच्चे? बताइए हाँ या ना। अब आप देखो कि अगर स्पीड का रेशियो 6:7 है तो टाइम का रेशियो 6:7 है तो स्पीड का रेशियो क्या 7:6 उल्टा हो जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये x प्लस वाई की वैल्यू 7 है और x माइनस वाई की वैल्यू 6 है। तो आप इधर समझो, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे वो तो इधर समझ लो कि अगर x प्लस वाई बराबर है 7 और x माइनस वाई बराबर है 6 तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? बोलोगे y से y कटेगा तो 2x बराबर 7 और 6 13 तो x बराबर 13/2। तो मैंने ये लिख दिया 13/2 और y की वैल्यू निकालोगे तो 7 - 6 1 और 1/2 तो ये 1/2 आ जाएगी। तो 2 से 2 कटेगा क्या रेशियो 13:1 ही बनेगा। और रेशियो अगर 13:1 बनता है तो 1 की वैल्यू आपको 1.5 किलोमीटर बराबर दे रखी तो 13 की वैल्यू 13 × 1.5 तो क्या 19.5 ही नहीं हो जाएगा क्या? हाँ सॉरी हिंदी में गलत टाइप है, 32 घंटे नहीं है, 3 सही 1/2 घंटे है। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है तरुण भाई, उसे सही करा लिया जाएगा अगली क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए तरुण भाई। बताइए, बोला इन अ फिक्स्ड टाइम अ बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट दैट ही स्विम्स अगेंस्ट द करंट। इसका मतलब अगर x प्लस y में जाता है और x माइनस y में जाता है, ये अलोंग द करंट हो गया मतलब डाउन स्ट्रीम, ये अगेंस्ट द करंट हो गया अप स्ट्रीम, तो इसमें जो डिस्टेंस जाता है वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है जितने टाइम में यहां पर एक डिस्टेंस कवर करता है। मतलब यहां पर टाइम है आपका कॉन्स्टेंट। मुझे आप सारे बच्चे ये बताओ कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के लेक्चर्स अभी मैंने डलवाए हैं, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है क्या? डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, डिस्टेंस कम करोगे तो स्पीड भी कम करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ स्पीड का भी रेशियो क्या 2:1 ही रहेगा? हाँ सर ये बात तो हम समझते बहुत अच्छे से। अब आपको बोला इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, आप यहां से करंट मतलब एक्स मतलब करंट मतलब वाई, अगर आपको x और y निकालना है तो 2 और 1 3 और x माइनस वाई अगर आपको निकालना है तो 2 - 1 1। 1 की वैल्यू आपको 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो मेरे भाई 3 की वैल्यू क्या 9 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर है तो 3 की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्या? तो लड़के की चाल शांत चल में क्या समझ गए हो? वेरी गुड वेरी गुड और वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 करिए भाई, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है।
मुझे कुछ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में, एक सेकंड रुको मुझे चेक करना। एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं इसे सही करूं। मैं क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा ठीक करता हूं। चलिए अब करिए क्वेश्चन को, अब आपके सामने बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कंप्लीट नहीं है, हाँ कंप्लीट नहीं था तरुण भाई, अब कंप्लीट है। अब एकदम से कंप्लीट है क्वेश्चन और बेहतरीन है, पहले से कहीं ज्यादा बेहतरीन है आप क्वेश्चन। कल नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, कल पहला लेक्चर तो आपका सुबह नंबर सिस्टम का है, कम से कम 2 घंटे की क्लास 10 से 12, फिर 12 से 2 बजे तक 2 घंटे पाइपेट सिस्टम पढ़ाऊंगा, और फिर कल शाम को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के कल शाम। तो कल का ये रहने वाला है शेड्यूल आपका, ठीक है बेटा जी, तुम्हें समझिएगा वहां। आइए, अ मैन रोज टू प्लेस 35 किलोमीटर इन डिस्टेंट एंड बैक इन 10 आवर्स 30 मिनट। एक आदमी 35 किलोमीटर जाता है कोई दूरी, फिर उतनी वापस आता है, जब जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में गया है तो एक्स प्लस वाई की स्पीड से जाएगा, और आया है तो फिर तो डाउन अपस्ट्रीम में आया होगा तो फिर एक्स माइनस वाई की स्पीड से आएगा, और दोनों में जो लगा टाइम है वो 10 घंटा 30 मिनट का है, तो 10 घंटा और 30 मिनट को आप करोगे तो 30/60 घंटा मतलब 1/2 घंटा, तो 10 से ही 1/2 घंटे जिसे आप लिखोगे 21/2 घंटा। तो मैं इसे सीधे सीधे लिख देता हूँ कि टोटल टाइम जो लगा है वो 21/2 घंटे का लगा है। क्या मैंने एकदम सही लिख दिया है? कल सैटरडे रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। बोलो हाँ या ना। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे, आपको आगे भी क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, ही फाउंड दैट ही कुड रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसका मतलब समझते हो कि अगर वो x प्लस वाई में और x माइनस वाई की अगर मैं बात करूं, अगर वो x प्लस वाई में 5 किलोमीटर बराबर से जाता है, 5 किलोमीटर जाता है जितनी दूरी में जितनी देर में, x माइनस वाई में उतना ही 4 किलोमीटर जाता है उतनी देर में, तो आप तो मुझे ये बता दो कि यहां से आप x रेशियो y निकाल पाओगे। x रेशियो y, x तो हो जाएगा 5 और 4 9, और y तो हो जाएगा 5 माइनस 4 1। तो ये स्पीड मान लेते हैं इसकी 9 और इसकी 9a और इसकी 1a। तो मुझे बताओ यहां पर जब आप ये 9a 1a में साइड में लिख देता हूं कैसे निकाला, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। मैं x रेशियो y को 9a:1a लिख देता हूँ। x रेशियो y को मैं क्या लिखता हूँ, 9a रेशियो 1a। कैसे लिखा तो ये तो समझ गए।
आप तो मुझे ये बता दो सिर्फ कि 35 को मैं डिवाइड करूंगा x प्लस वाई, तो 9a प्लस 1a 10a, और इधर 35 को मैं डिवाइड करूंगा तो 9a माइनस 1a तो क्या 8a, और बराबर क्या 21 बाई 2 हो जाएगा। मैं 2 से इन सबको काटूंगा तो ये तो 5a ये 4a, तो मुझे बताओ यहां तो डिवाइड में आपका 20a चला जाएगा, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 से 70 140, और आपका 35 का मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 140 और ये 175, और बराबर में तो आपका 21 आ जाएगा। बताइए हाँ या ना, पक्की बात है? आप जब इसे सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट यहां तो आपको ये ऐड करने पे 315 मिल जाएगा, और बटे में ये 20a और बराबर 21। बताइए हाँ या ना? और 21 से तो जब आप इसे काटोगे तो 21 से तो ये कट जाएगा आपका 15 बार, और 20 तो इसे 20 से ऊपर वाले को आप काटोगे तो ये तो आ जाएगा a बराबर 7.5, और a की वैल्यू जैसे ही 7.5 आई तो आपको बस यही तो डालना था कि y की अगर वैल्यू निकालनी तो 1 into 7.5 तो वो तो 7.5 नहीं 0.75 हो जाएगा ना, a बराबर 0.75 सॉरी 1.75 नहीं 20 है ना तो 0.75 20 है तब तो 0.75। तो आप मुझे बताओ क्या ये भी 1 into 0.75 क्या ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा 0.75 किलोमीटर पर आवर? जल्दी बता दीजिए हाँ और ना में आंसर दे दीजिए मुझे। अगर समझ आ गई है बातें तो हाँ, और नहीं समझ आई है तो ना, फिर मैं बढ़ूंगा आगे बिना आपकी कोई बात सुने। हाँ 0.75 कानपुरिया छोरा, आज बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करो सॉल्व। बताइए नहीं आ रहा। अ मैन कैन रो 3/4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 15 मिनट। आप एक चीज मुझे बताओ क्या बोल रहा है कि 15 मिनट के अंदर 3/4 किलोमीटर जाता है, तो यहां पर 3/4 किलोमीटर पर आवर में अगर आप लेके जाना चाहते हो तो 15 मिनट को आवर्स में चेंज करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई तो 60 मिनट, और 60 मिनट को आप एक घंटा बोलते हो, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई तो 3 किलोमीटर, 4 से मल्टीप्लाई तो 3 किलोमीटर। तो आप मुझे बताओ कि वो अपस्ट्रीम में जो जा रहा है तो अपस्ट्रीम में जो उसकी चाल हो गई x माइनस वाई जो हो गया वो क्या 3 किलोमीटर पर आवर हो गया? हाँ सर आप एक तो बात सही बोली है। बोला इट टेक्स 10 मिनट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन रिटर्निंग, रिटर्न होता है तो क्या वो डाउन स्ट्रीम में आएगा? हाँ सर डाउन स्ट्रीम में ही तो आएगा। तो डाउन स्ट्रीम में तो वो आपको बोला है कि 10 मिनट में उतनी दूरी मतलब 3/4 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो आप तो यहाँ ये बोल दोगे कि 10 का 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 4 और 2 × 3 = 6 तो 9/2 किलोमीटर पर आवर से आएगा। 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6:9 बनाऊंगा, और 3 से काटूंगा तो 2 बार, और 3 से काटूंगा तो 3 बार, ये तो स्पीड आ गई। तो उसकी चाल और धारा की चाल मतलब x रेशियो y अगर आपको बताना है तो 3 × 2 = 5 और 3 − 2 = 1, तो मुझे बताओ 5:1 क्या ऑप्शन 4th आ जाएगा?
आप तो एक चीज मुझे ये बताओ कि उसे अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो क्या 15 मिनट लगता है, और सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जाने में उसे जो टाइम लगता है वो 10 मिनट का लगता है, तो यहाँ से टाइम का तो रेशियो क्या 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 आ गया, तो एक्स रेशियो वाई अगर आपको यहां से डायरेक्ट निकालना है तो 3 + 2 = 5 और 3 - 2 = 1। क्या हम तो डायरेक्ट 5:1 निकाल सकते थे, सारे बच्चे बताओ क्या ऐसे भी निकाला जा सकता था, जल्दी बताइए हाँ या ना, क्या ऐसे भी 5:1 निकाला जा सकता था। देखिए मैंने तो कितना आसान बना दिया, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, बोला है ना उसने कि जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये तो टाइम का रेशियो निकाला, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, अब आप देख लो 3 + 2। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करिए। हाँ बिल्कुल होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई होगा भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी होगी तो हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई हो जाएगा भाई, बोलो क्लियर हो ना तरुण भाई, 100% हो जाएगा, लेकिन आप तो सीखो सर। बताइए क्वेश्चन का आंसर, आज 12 तक की हम करके जा पाएंगे। देखो क्वेश्चन है, अ सेलर डिसाइडेड सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड सेम डिस्टेंस इन सम डिस्टेंस इन सेम डिस्टेंस सेम है अपोजिट डायरेक्शन द स्ट्रीम इन टेक्स 3 आवर्स। मतलब आपको ये बोल रहा है कि अगर अपोजिट में जाए तो टाइम लेता है कितना, 3 घंटे का नाविक, और सेम में जाए तो टाइम लेता है 2 घंटे का, तो टाइम का रेशियो आ गया था फ्लो ऑफ द रिवर इज 4। आपको एक्स रेशियो वाई निकाल लेना है, तो 3 + 2 = 5 और 3 - 2 = 1। आपको तो स्पीड रिवर की दे रखी, वाई की वैल्यू आपको 1 की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू क्या 20 हो जाएगी ऑप्शन फर्स्ट। हाँ भाई कानपुरिया भाई एकदम सही आप, तो आज ये 12 तक के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसके आगे आप लोगों से मैं मिलूंगा कल, मतलब इसके आगे का तो पीडीएफ डालूंगा अभी ग्रुप में, अब आप सॉल्व करना, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, अब आप सॉल्व कर लो। कल सुबह हम मिलेंगे 10 बजे, और 10 बजे मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, नंबर सिस्टम। तो हम तो कल पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और आप सारे बच्चे कल आएंगे। सब्सक्रिप्शन लेना है तो रेफरल कोड एक ही है आप सबका फेवरेट, एमपी सर लाइव, एमपी मतलब मयंक पांडे, आप लोग सर बोलते हो इसलिए सर लाइव, आपके सामने आता हूँ डेली इसलिए लाइव। लाइक बटन पर प्रेस करो, थैंक यू सो मच। आप लोग यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताया करो सेशन कैसा लगा, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जिससे कि कल की भी क्लास आपको मिले तो आप उसे ज्वाइन कर पाओ, लिंक वगैरह यही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और रेफरल कोड एमपी सर लाइव जो आपका प्यारा फेवरेट है इसे याद रखो हमेशा, भूलना कभी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।